ये है होंडा की तरफ से न्यूली लॉन्च SP160 जो कि एक स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है। आइए देखते हैं इसमें कंपनी ने क्या कुछ दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कलर की। इसमें कंपनी ने 6 कलर ऑफर किए गए हैं, आइए अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये है इसका पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे कलर, ये है इसका मैट डार्क ब्लू मेटालिक, ये है इसका मैट एक्सेस ग्रे मेटालिक कलर, ये है इसका पर्ल इग्नाइट ब्लैक कलर, ये है इसका पर्ल स्पार्टन रेड कलर, ये है इसका मैट मार्बल ब्लू मेटालिक कलर। आइए बात करते हैं इसके डायमेंशंस की, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और वजन की। ये बाइक जो है टोटल 2 वेरिएंट में आती है, तो इसका जो कर्व वेट है अलग अलग है। सिंगल डिस्क में है 139 kg, डुअल डिस्क में है 141 kg। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो इसमें 177 mm तक ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और इसकी सीट हाइट है 795 mm की। इसकी लेंथ है 2061 mm की, विड्थ है 786 mm की, हाइट है 1113 mm की, व्हील बेस है 1347 mm का। आइए इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इसकी प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल। आइए अब मैं आपको इसकी फ्रंट प्रोफाइल दिखाता हूँ, पास से दिखाता हूँ। ये देखिए डुअल टोन में हेड दिया गया है, ब्लैक कलर में वाइजर मिल जाता है, होंडा का यहाँ पर स्टिकर लगा हुआ है। साइड में देखिए ये ग्रे कलर दिया गया है एंड यहाँ पर ये देखिए रोबोटिक पैटर्न दिया गया है। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो फुल LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है जो कि इग्निशन के ऑन होने पर ये ऑन नहीं होती है। साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब में मिल जाते हैं एंड यहाँ पर देखिए इस बाइक में 1000 लाइट का फीचर ऑफर किया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो भाई फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं। फ्रंट मडगार्ड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। सस्पेंशन पर दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। ABS को यहाँ पर मेंशन किया गया है। 17 इंचेस के अलॉय व्हील ऑफर किए गए हैं। बात कर लेते हैं फ्रंट टायर की। MRF कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर ऑफर किया गया है। इसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि है 80/117 ट्यूबलेस है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसमें सिंगल चैनल ABS दिया गया है। फ्रंट व्हील में 276 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है जिसमें निशन के कैलिपर्स मिलते हैं जिसकी वजह से इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इसके टैंक का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, टैंक कॉल मिल जाता है एंड यहाँ पर देखिए स्पोर्टी स्टिकर्स मिल जाते हैं, डुअल टोन मिल जाता है, यहाँ पर होंडा का 3D में बैज मिल जाता है, सेंटर में ग्लॉसी दिया गया है, साइड में ये देखिए मैट में मिल जाता है। इस बाइक में 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है एंड ये देखिए E20 के सपोर्ट के साथ में ये बाइक आई है। इस एंगल से मैं आपको इस बाइक के टैंक हैंडल और RBM के डिज़ाइन को दिखाता हूँ जो कि कुछ इस तरीके का है। आइए अब इसके सभी फीचर बटन भी देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर और उसके नीचे एक हॉर्न का स्विच दिया है। इसके राइट हैंडल पर यहाँ पर देखिए डेडिकेटेड इंजन किल स्विच, उसके नीचे यहाँ पर डेडिकेटेड हज़ार लाइट का स्विच मिल जाता है एंड उसके नीचे यहाँ पर एक सेल्फ का स्विच दिया गया है। इस बाइक के साथ में नॉर्मल चाबी ऑफर की गई है, होंडा की ब्रांडिंग है एंड यहाँ पर भी होंडा की ब्रांडिंग है। न्यूली मीटर दिया गया है इस सेगमेंट में। इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है फुली डिजिटल मीटर मिल जाता है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं जैसे कि RPM मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिल जाता है, डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है, 2 ट्रिप मीटर मिलते हैं इसमें, एवरेज भी देख सकते हैं, बैटरी वोल्टेज देख सकते हैं और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें मिल जाती हैं। आइए वहाँ की बात करते हैं जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, इस बाइक के इंजन की। इस बाइक में कंपनी ने 162.71 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 फेज 2 वाला FI 4 स्टॉप 2 वॉल्व होंडा कंपनी का कम्यूटर एंड स्पोर्ट्स सेगमेंट में एक बेस्ट क्वालिटी का इंजन दिया है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 9.9 किलोवाट की 7500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.56 न्यूटन मीटर का 5500 RPM पर। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, पावर भी अच्छा है, टॉर्क भी अच्छा है और इसी के साथ साथ ये बाइक जो है माइलेज भी काफ़ी अच्छा देती है। माइलेज के बारे में आपको प्रॉपर आगे बताऊंगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है एंड यहाँ पर देखिए इंजन गार्ड भी मिलता है जो कि ये मेटल का है, काफ़ी अच्छी बात है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिल जाता है। राइडर फुट पर देखिए फोल्डेबल मिलता है,
साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है। एंड यहाँ पर देखिए एसपी का बैज मिल जाता है जो कि 3D में है। सिंगल सीट ऑफर की गई है जो कि राइडर एंड प्लेन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है। एंड इसका जो शेप है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है। ग्रैबरेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है जो कि मेटल का मिलता है। सीट कॉल पर 160 का स्टिकर मिल जाता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साड़ी गार्ड, लेडी फुटपैड, ये देखिए पिलियन फुटपैड। आइए बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन लगाकर दिया है। एंड यहाँ पर ये देखिए मड प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, नेकेड चेन सेट मिलता है और इसमें सेंट्रल स्टैंड भी मिल जाता है। बात करते हैं रियर टायर की। रियर में भी MRF कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी का एक ट्यूबलेस टायर ऑफर किया गया है। इसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि है 130/70/17। रियर में काफ़ी वाइड टायर दिया गया है एंड ये देखिए ग्रिप्स काफ़ी ज़बरदस्त है। ये है इसकी प्रॉपर रियर प्रोफाइल। टेल लाइट बिल्कुल ही नए पैटर्न में मिल जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है जो कि LED में दी गई है। साइड टर्न इंडिकेटर ये देखिए हैलोजन बल्ब के साथ में मिल जाते हैं। होंडा की यहाँ पर ब्रांडिंग है एंड यहाँ पर ये देखिए नंबर प्लेट लाइट भी मिल जाती है, ये भी हैलोजन बल्ब में है। यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है। बात करते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इस पर सिग्नल चैनल ABS मिलता है। रियर व्हील में कंपनी ने 220mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया है। ये बाइक टोटल दो वेरिएंट में आती है, आप इसको डिस्क में भी ले सकते हो यानी कि सिंगल डिस्क एंड डुअल डिस्क में ले सकते हो। यदि आप इसका सिंगल डिस्क वेरिएंट लोगे तो रियर व्हील में आपको 130mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। इस बाइक के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लग रहा है। एंड यहाँ पर ये देखिए मफलर क्रोम में मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस पर ये डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी इसको लुक प्रोवाइड करा रहा है। राइडर फुटपैड ये देखिए फोल्डेबल है एंड ये देखिए रियर ब्रेक लीवर। ओ भाई, इस बाइक में ये देखिए किक स्टार्ट का भी फीचर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आइए गाइस अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। गाइस होंडा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 42,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई कंपनी अभी ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं कर रही है, लेकिन इससे माइलेज जो है काफ़ी अच्छा निकल कर आएगा। मैं इसकी प्रॉपर राइड भी करूँगा और इसका माइलेज टेस्ट भी करूँगा, तो जो भी एक्चुअल निकल कर आएगा वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। उसके लिए आप टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो कंपनी ने इसमें टोटल 2 वेरिएंट दिए हैं, सिंगल डिस्क एंड डुअल डिस्क। प्राइस अभी कंपनी ने इसकी नहीं बताई है, ठीक है, मैं आपको जैसे ही इसकी प्राइस आ जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है, आप उधर चेक कर लीजिएगा। आइए बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन की, यानी कि प्लस पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट की। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट की। इसका जो डिज़ाइन है इस सेगमेंट में सबसे बेहतर है, मतलब स्पोर्ट एंड कम्यूटर, समझ रहे हो ना। या तो एक गाड़ी होती है एकदम स्पोर्ट सेगमेंट में चली जाती है, फिर एकदम कम्यूटर सेगमेंट में चली जाती है। ये जो बाइक है दोनों ही चीज़ों को फुलफिल कर रही है एंड फुल LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है। रियर में मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलता है और इसमें फुली डिजिटल मीटर मिल जाता है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। टेल लाइट एक अलग ही पैटर्न में मिल जाती है, सेगमेंट में सबसे यूनिक है, LED में दी गई है। एंड इसी के साथ साथ रियर वाला जो टायर है काफ़ी ज़्यादा वाइड दिया है, 130 सेक्शन का टायर दिया गया है जो कि प्रॉपर एक स्पोर्ट जो सेगमेंट की बाइक आती हैं वो इसमें मिल जाता है। और इनकी ग्रिप्स भी जो है काफ़ी अच्छी दी गई है। कौन की अगर बात की जाए तो मुझे इसमें कुछ भी ऐसे खास कौन नहीं लग रहे हैं जिसकी वजह से आप इस बाइक को अवॉइड कर सकें। वैसे मैं इसकी प्रॉपर राइड भी वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो अगर मुझे उसमें कुछ भी कौन लगेगा तो वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। उस वीडियो को देखने के लिए आप टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस, समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।